नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। 21 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में रेगुलर भर्ती होने वाली है। 245 के करीब इसमें पद भरे जाने वाले हैं। कौन सी भर्ती और किस प्रकार की भर्ती होगी इसकी जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिछले काल एक बयान दिया था और इस पर सरकार अब पलट की है और मंत्री के बयान से सरकार ने किनारा कर लिया है। नगर निगम और सरकार को हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया, क्या खबर है और क्यों ये नोटिस जारी किया इसके अपडेट्स भी हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। फर्जी कृषक प्रमाण पत्र का मामला आप जानते हैं और इस पर एक FIR अब दर्ज की गई है। पेंशनरों को एरियर की किस्त मिलने वाली है, क्या खबर है इससे जुड़ी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही नेम प्लेट विवाद और हिमाचल के सरकारी डिपो से जुड़ी जानकारी अपडेट्स और आज की जितनी भी तमाम बड़ी खबरें उसके अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कहां से ये न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मोदी लौटाए हिमाचल के 12,000 करोड़, कर्मचारियों ने UPS और NPS का किया विरोध। हिमाचल में कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन और NPS पेंशन स्कीम पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार से दोनों तरह की पेंशन को रद्द कर समूचे देश में ओल्ड पेंशन को लागू करने का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजने का सिलसिला समूचे प्रदेश में चलाए जाने की बात भी कही गई है। साथ ही केंद्र सरकार से हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद NSDL से 12,030 करोड़ रुपए की वापसी का आह्वान किया गया है। क्लास 3 में 21 साल बाद रेगुलर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में वर्ष 2003 के बाद पहली बार क्लास 3 यानी ग्रुप सी की किसी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती होने जा रही है। 21 साल से कमीशन के जरिए हो रही भर्तियां भी अनुबंध पर हो रही है। अब स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर के 245 पद रेगुलर भरे जा रहे हैं। इनमें से 138 पद प्राइमरी स्कूलों को मिलेंगे जबकि 107 पद अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेशों पर ये भर्ती रेगुलर होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इस नए कैडर के लिए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट फाइनल कर लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। हालांकि भर्ती कौन सी एजेंसी करेगी ये फैसला भी सरकार ने लेना है। भर्ती नियमों में ग्रुप सी में होने के कारण राज्य चयन आयोग को भर्ती एजेंसी बताया गया है, लेकिन इस बार सरकार लोक सेवा आयोग को ये भर्ती दे सकती है। स्पेशल एजुकेटर के प्री प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक 138 टीचर दिए जा रहे हैं। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता 50% में जमा 2 परीक्षा और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अपूर्व संस्थाओं से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में पढ़ाने का 6 महीने का अनुभव चाहिए। टेट पास करना भी जरूरी है। 6ठी से 12वीं कक्षाओं तक के लिए 107 स्पेशल एजुकेटर दिए जा रहे हैं। इन्हें नए वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स का लेवल 10 मिलेगा। ये नियुक्ति 100% सीधी भर्ती से होगी। बेरोजगार युवाओं से भर्ती के नाम पर 4,49,00,000 रुपए की फीस जमा, परीक्षा नहीं हुई, कहां गया पैसा सवाल है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 274 से अधिक गैर शिक्षक कर्मचारियों के अलग अलग श्रेणी के पदों को 2020 में विज्ञापित किए जाने और इसके लिए तय की गई 600 से 200 रुपए तक की फीस के रूप में विश्वविद्यालय ने करीब 4,49,00,000 रुपए की राशि एकत्रित की है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले 52,915 बेरोजगार युवाओं ने विश्वविद्यालय को आवेदन के साथ तय फीस इस उम्मीद से अदा की कि उनको विश्वविद्यालय में स्थायी रोजगार पाने का मौका मिलेगा। इन बेरोजगार युवाओं से विश्वविद्यालय को 4,49,092,600 रुपए फीस के रूप में मिले। एकत्रित हुई इस राशि के बावजूद आज तक विज्ञापित किए गए पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई है और न ही साक्षात्कार हुए। सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के पदों को विश्वविद्यालय ने जरूर भरा है। शेष विज्ञापित किए गए पदों के लिए आवेदन करने वाले प्रदेश भर के 53,000 युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हिमाचल के 10 IPS समेत 152 पुलिस अधिकारी कर्मचारी DGP डिस्क अवार्ड से होंगे सम्मानित।
हिमाचल प्रदेश के 10 आईपीएस अधिकारियों समेत 152 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा ने वीरवार को चयनित अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी किए हैं। जिन 10 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड मिलेगा उनमें बिमल गुप्ता, डॉक्टर आकृति, भगत सिंह ठाकुर, संतोष पटियाल, राहुल नाथ, अभिषेक दुल्लर, मयंक चौधरी, शिवानी महलौर, अशोक रत्न और इल्मा अफरोज शामिल है। एनआईटी हमीरपुर में छात्र ने वीडियो कॉल पर छात्रा पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, छात्रों ने किया हंगामा, आरोपी निष्कासित। एनआईटी हमीरपुर में छात्रा को कथित तौर पर वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने पर बुधवार देर रात छात्रों ने कैलाश होटल के बाहर जमकर हंगामा किया। मामले के बारे में पता चलने पर एनआईटी प्रबंधन ने आरोपी छात्र को एनआईटी से निष्कासित कर दिया है। सोलन के टोडो ग्राउंड के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार व नगर निगम सोलन को नोटिस। सोलन स्थित टोडो ग्राउंड को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल न करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व नगर निगम सोलन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने तिलकराज शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किया है। सोगी में खुदाई के समय मिला नरकंकाल, पंचायत घर के निर्माण के दौरान चल रही थी खुदाई। राजधानी शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर सोगी में पंचायत भवन निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान एक नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। पंचायत जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव के अवशेष एकत्रित किए हैं। कोची से बिलासपुर पहुंचा उत्तरी भारत का पहला क्रूज, शुक्रवार को होगा रन ट्रायल। बिलासपुर गोविंद सागर झील में आम लोगों व पर्यटकों के लिए क्रूज व शिकारे का आनंद लेने का इंतजार अब समाप्त होने ही वाला है। झील में चलने वाला पहला क्रूज कोची से सफर पूरा कर बिलासपुर पहुंच चुका है। वीरवार शाम 5 बजे इस क्रूज को गोविंद सागर झील में उतार दिया गया है। अब शुक्रवार को सुबह 11 बजे इसका ट्रायल रन होगा। नवरात्रों या फिर नवरात्रों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस क्रूज का शुभारंभ करेंगे। ये क्रूज न केवल हिमाचल का अपितु उत्तर भारत का पहला क्रूज है जो सैलानियों को झील की सैर करवाएगा। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को झटका, सुक्खू सरकार ने कहा दुकानों पर नेम प्लेट का फैसला नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिन स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कहा था कि रेहड़ी फड़ी और भोजनालय वालों को दुकानों के आगे नाम प्लेट लगानी होगी। इस पर अब सुक्खू सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए और इस मामले के हर पहलू पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश सरकार स्ट्रीट वेंडर से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संदर्भ में निर्णय लेने से पूर्व सभी सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। खबर कांगड़ा से फर्जी कृषक प्रमाण पत्र प्राकरण पहचान बदलकर धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज। फर्जी कृषक प्रमाण पत्र प्राकरण में पुलिस ने आरोपों के घेरे में आए दानिश के विरुद्ध पहचान बदलकर धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। तहसीलदार पालमपुर कार्यालय से इस संबंध में लिखित शिकायत पुलिस को दे दी गई थी। गैर हिमाचली दानिश पर पहचान बदलकर फर्जी कृषक प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। पालमपुर तहसील के अंतर्गत उप तहसील बुवारना में 16 अप्रैल 2024 को एक भूमि की खरीद की रजिस्ट्री की गई थी। इस भूमि खरीद मामले में गैर हिमाचली दानिश ने फर्जी कृषक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जबकि हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म टेनेसी एक्ट की धारा 118 के अनुसार गैर हिमाचली बिना सरकार की अनुमति के हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता है। खबर हमीरपुर से, सरकारी डिपो के तेल में नहीं पाएगी कोई मिलावट। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने कहा कि जिला हमीरपुर की उचित मूल्य की दुकानों में वितरित किए जा रहे सरसों के तेल में कोई भी मिलावट नहीं पाएगी है।
इन दुकानों से लिया गया तेल का कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ है। बाड़सर में सरसों के तेल के सैंपल फेल होने और तेल में मिलावट के समाचारों के संबंध में जिला नियंत्रक ने बताया कि ये सैंपल अनियंत्रित खुले बाजार में किसी कंपनी द्वारा बिक्री किए जाने वाले सरसों के तेल का था। ये सैंपल उचित मूल्य की दुकान से नहीं लिया गया था। हिमाचल नेम प्लेट विवाद, विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली पहुंचते हटाई योगी के मॉडल वाली पोस्ट। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को दिल्ली पहुंचते अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल वाली पोस्ट को हटा दिया। बुधवार को प्रदेश में भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी वालों को अपना पहचान पत्र दुकान पर लगाने के संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी की फोटो वाली पोस्ट के माध्यम से शेयर करने के बाद बैकफुट पर आए विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल एक अलग राज्य और इसके अपने मामले और मुद्दे है। खबर चंबा से, शहर में अवैध होर्डिंग्स हटाएगी नगर परिषद, चिल्ड्रन पार्क का होगा जीर्णोद्धार। चंबा शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स हटाए जाएंगे, नगर परिषद चंबा सख्त कार्यवाही करेगी। नगर परिषद चंबा ने जर्नल हाउस की बैठक में निर्णय लिया कि अब कोई बिना अनुमति शहर की सुंदरता पर दाग नहीं लगा पाएगा। वीरवार को जर्नल हाउस की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैन ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नगर परिषद चंबा ने बिना अनुमति बैनरों और होर्डिंग लगाने वालों पर नकेल कसने का निर्णय लिया है। इसके लिए नगर परिषद ने कर्मचारियों को निर्देश जारी किया है। संजोली मस्जिद में AIMIM के नेता की एंट्री पर फूटा जयराम ठाकुर का गुस्सा, गिरफ्तारी की उठाई मांग। शिमला के संजोली मस्जिद विवाद में AIMIM नेता सोएब जुमई की एंट्री को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि संजोली मस्जिद में जाने पर स्थानीय लोगों पर पाबंदी है, ऐसे में भारी राज्य से AIMIM का नेता मस्जिद में जाकर वीडियोग्राफी कैसे कर रहा है, उसको किसने जाने दिया, प्रशासन कहाँ था। AIMIM नेता लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है, ऐसे में इसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार मामले की गंभीरता को समझ नहीं रही है। शराब पीने के बाद दो दोस्तों में हो गया झगड़ा, एक ने दूसरे पर पेट्रोल छिड़कर लगा दी आग। कुल्लू के मासना इलाके में एक व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़कर उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश हुई है। घटना का शिकार व्यक्ति अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जर्मनी की कंपनी शहर की ड्रेनेज सिस्टम को लेकर करेगी सर्वे। राजधानी शिमला का ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए नगर निगम शहर में सर्वे करवाने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने जर्मनी की एक कंपनी को सर्वे करने का जिम्मा सौंपा है। ये कंपनी शिमला शहर में कैसे ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जा सकता है, इसको लेकर आगामी दिनों में सर्वे कर सकती है। नगर निगम प्रशासन ने शिमला शहर में उचित जल निकासी व्यवस्था के लिए 78 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है। 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ मिलेगा एरियर। हिमाचल प्रदेश में 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिलेगा। इसका लाभ करीब 30,000 पेंशनरों को होने जा रहा है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इसके कार्यालय आदेश 28 अगस्त को जारी किया है, मगर पेंशन देने से संबंधित औपचारिकताओं को इससे पहले पूरा करना होता है, तो इसे एक महीने आगे टाल दिया गया था। ये एरियर 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लागू होने के साथ किए गए पेंशन में संशोधन के समय से दिया जा रहा है। प्री प्राइमरी के शिक्षकों को 10,000 वेतन, 2 महीने के अवकाश की नहीं होगी अदायगी। प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले प्रशिक्षकों को प्रतिमाह 10,000 रुपए वेतन मिलेगा। साल में 10 माह के लिए वेतन दिया जाएगा। बुधवार को शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों के भर्ती नियम अधिसूचित किए हैं। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में 2 वर्ष का डिप्लोमा या नर्सरी में BEd होना अनिवार्य रहेगा। 1 साल का डिप्लोमा करने वाले भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आउटसोर्स आधार पर इनकी भर्तियां की जाएगी। देश में पैरासीटामोल सहित 50 दवाइयों के सैंपल फेल है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने बाजार में बिक्री पैरासीटामोल सहित 50 से अधिक दवाओं को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि CDSCO के परीक्षण में 50 से अधिक दवाएं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई है। इन दवाओं का परीक्षण CDSCO की कोलकाता प्रयोगशाला ने पिछले माह किया था। सूत्रों ने बताया कि इनमें पैंडी और प्रतिरोधक, रक्तचाप, मधुमेह, विटामिन, पेट संक्रमण, कैल्शियम से संबंधित और अन्य दवाएं शामिल है। मंडी के जोगिंद्रनगर में पकड़ा तेंदुए की खाल का तस्कर, मामला दर्ज है। जोगिंद्रनगर पुलिस ने अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवशेषों की तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 6 फुट 7 इंच लंबे तेंदुए की खाल और तस्कर से लाइसेंस शुदा राइफल जब्त की है। जोगिंद्रनगर थाना प्रभारी सकीन कपूर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कुनियार के चर्चित QFX घोटाले में FIR दर्ज। कुनियार के चर्चित QFX घोटाले में पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद अब शिकायतकर्ताओं ने रात की सांस ली और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। इस मामले में मंडी जिले की तरह सोलन जिले में भी करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ सकते हैं। गोरे की कुनियार क्षेत्र में कई लोगों ने 50 लाख रुपए की ठगी होने की शिकायत पुलिस थाना कुनियार में दर्ज करवाई थी। वेदर अपडेट। हिमाचल में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल में आगामी 24 घंटे वेद संवेदनशील रहने वाले है। मौसम विज्ञान केंद्र ने फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है। 7 जिलों में इस चेतावनी का असर रहने वाला है। जिन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है उनमें कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, शिमला और मंडी शामिल है। इन जिलों में अलर्ट के बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क हो गया है। सभी जिला प्रशासन को भूस्खलन समेत अन्य मुश्किलों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस चेतावनी का असर शुक्रवार 11:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान तेज बारिश से बाढ़ के हालात बन सकती है। सबसे बड़ी मुश्किलें खड्डों और नालों के बेहद करीब रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश की वजह से खड्डों का पानी उफान पर होगा, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है।